सभी साथियों को नमस्कार। मैं मनोज तिवारी, आपका वाईफाई बैंक पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चे चलिए स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से आज के अपने सेशन को। ठीक है भाई, अभी हम कहाँ पर जुड़े हैं? अनएकेडमी पर। अनएकेडमी ही हमको आप लोगों के सामने लाया है यार। ठीक है, डेली हमारी क्लासेस होती हैं। मैं बात करूँ तो अपनी मॉर्निंग में जो है सुबह 9:30 से 12:30 होता है एक सेशन, और उसके बाद जो है 3 PM टू 4:30 PM होता है, 11:30 होता है। ये दो सेशन होते हैं अपने यूट्यूब पर। तो टॉप एजुकेटर हैं, टॉप बैचेस है। ठीक है, स्टार्टिंग अब से हो रहा है, 20 अप्रैल से हो रहा है बैचेस एक नया। ठीक है, बेस्ट प्लेटफॉर्म है किसके लिए? बैंक प्रिपरेशन के लिए। क्या क्या आपको इसमें मिलने वाला है यहाँ पे? हाँ बच्चों, मैं कुछ देर के लिए वीडियो पर वो करूँ। भाई क्या क्या मिलने वाला है आपको इसमें? 30+ बैचेस एवरी मंथ, 20 आवर्स से ज़्यादा कंटेंट ऐड होता है जिसमें आप अपने लिए बेस्ट चूज़ कर सकते हैं। 70+ एजुकेटर हैं, 40K से ज़्यादा रिकॉर्डेड कंटेंट आपको मिलेगा, 20K से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, और 98% ज़्यादा एसपेंट टेस्ट करता है। ठीक है, चलिए एक्सेलेरेटर बैच स्टार्ट होने वाला है किसके लिए? एसबीआई क्लर्क के लिए, 20 अप्रैल से। नेक्स्ट बैच की बात करूँ, रणवीर बैच स्टार्ट हुआ है CET, 20 अप्रैल से। उसके बाद बात करें SBI PO और IBPS PO भी स्टार्ट होने वाला है। रणवीर बैच है CET के लिए, फाउंडेशन बैच है सभी बैंक के लिए, गुरुकुल बैच IBPS PO ही है। अच्छा, सबसे अच्छी खास बात है कि आपके लिए अनअकैडमी कॉम्बैट स्टार्ट किया है, इंडियाज बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट। ठीक है, क्या है बच्चे, 1 करोड़ रुपीज़ के इसकी राशि है, लेकिन है क्या इतना अच्छा टेस्ट है कि आपका जो है, सबसे पहले समझिए बैंक कॉम्बैट होता कब है बच्चे? एवरी संडे होता है, इस टाइम स्टार्ट होता है सुबह 10। आपको एनरोल किसके नाम से करना है? मोनू लाइफ से। ठीक है, एनरोल के नाम से करना है, मोनू लाइफ से करना है। चलिए तो आपके लिए देखिए कितना अच्छा एक ऑफर चला। अगर आप 1 साल का परचेज करते हैं तो आपको 2 महीने का फ्री मिल जाएगा, और 2 साल का परचेज करते हैं तो 4 महीने का फ्री मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप 1.2 मंथ यहाँ पर पढ़ पाएंगे और 2.4 मंथ आप यहाँ पर पढ़ पाएंगे। ठीक है, लेकिन वैलिड कब तक है ये? केवल 28 अप्रैल तक, ये ध्यान रखिएगा। इसकी बात करूँ तो देखिए आप 1 महीने और 3 महीने के लिए नहीं जाइएगा, 6 महीने फीस 5200, 1 साल की 6500, 2 साल की 7800। मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, कोड यूज़ करिए मोनो लाइफ, 10% डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं अकेडमी ऐप पर जाकर, @MonoTyagi सर्च कर लेना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, तो क्या आएगा भाई, जल्दी से बताइए इसका आंसर। देखिए करें करिए जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी लोग। आ जाइए जल्दी से, सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए देखिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसने क्वेश्चन में लिखा है आपसे। क्वेश्चन में ऑल स्टार्स आर लिफ्ट, नो लिफ्ट इज एन एक्सेलेटर, सॉरी ई है, सम एक्सेलेटर आर हेलीकॉप्टर, सम लिफ्ट्स आर। फर्स्ट टाइम बोला है नो प्लान, नो स्टेयर्स इज एन एक्सीलेटर, हो नहीं सकता, कह नहीं सकता उसके बारे में, पहला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट में बोला है सम हेलीकॉप्टर आर नॉट हेल, सम हेलीकॉप्टर आर नॉट एक्सीलेटर, सही बोला है। ठीक है, सम हेलीकॉप्टर आर, अच्छा सॉरी, हेलीकॉप्टर एक्सीलेटर की बात कर रहे हैं ना, ये भी गलत हो जाएगा बच्चे, सॉरी। नेक्स्ट बोला है सम स्टेयर आर प्लान इन, सम स्टेयर आर प्लेन्स, ये भी गलत हो जाएगा। आगे बोला है सम हेलीकॉप्टर एक्सीलेटर, सम हेलीकॉप्टर एक्सीलेटर, ठीक है ये तो है अपने, ये तो आंसर आ ही रहा है। अब मुझे क्या देखना है, मुझे फर्स्ट क्या फोर्थ के साथ साथ और किसका फर्स्ट एंड सेकंड का इधर बनेगा,
स्टेयर एक्सलेटर, स्टेयर हेलीकॉप्टर नहीं बनेगा, स्टेयर प्लान है, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ किसी का इधर और बनेगा भाई, किसी नो स्टेयर आर एक्सलेटर बनेगा नहीं, ठीक है। सम हेलीकॉप्टर आर नोट स्टेयर, ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। सम हेलीकॉप्टर एक्सलेटर बिल्कुल बनेगा, ओके। तो क्या करना है अपने को, अब आइदर और की कंडीशन है क्या, फोर्थ तो फॉलो हो ही रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर ओनली फर्स्ट एंड आइदर सेकेंड एंड फोर्थ, नहीं सेकेंड एंड फोर्थ नहीं कह के चलेंगे, फर्स्ट एंड फोर्थ में भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज आएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, विच कॉम्बिनेशन आर लॉजिकली ट्रू, ठीक है। ऑल मार्टिन्स आर शुगर केसेस, ऑल दोज हु कैन ईट शुगर केसेस आर नॉट मार्टिन्स, ऑल दोज हु ईट शुगर केसेस आर हर्बीवर्स, ऑल मार्टिन्स आर कार्निवर्स, ऑल दोज हु ईट शुगर केन्स आर कार्निवर्स, ठीक है। मार्टिन्स आर हर्बीवर्स, तो बोला है हमें इसमें एक लॉजिकली डिडक्शन लेना है, ठीक है। मतलब कि लॉजिकली को फॉलो कर जाए, ये थोड़ा ध्यान दें। बी सी ई भाई, बी सी ई होगा, ठीक है। ऑल दोज हु शुगर केन्स आर नॉट मार्टिन्स, ऑल दोज हु शुगर हर्बीवर्स, ठीक बात है। चलिए इसके बाद क्या बोला है, मॉल्टेंस हर्बिवर्स, क्या ये दोनों जुड़ पाएंगे, नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि इसने एक तरफ मना कर दिया, एक तरफ ले रहा है, ये पहला गलत हो गया। दूसरे में देखिए, ए बी ई, ये पहला है, ये दूसरा है, ये ई है, ठीक है। ये और ये देखिए, ये तो जुड़ ही नहीं सकता ना, समझिए। ये मॉल्टेंस क्या है, शुगर केन्स, ऑल दो जो ईट का आर नोट, तो ये कैसे पॉसिबल है, ये तो पहले ही अलग हो गया, तो ये भी नहीं होगा। ए बी सी पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए, ए बी सी, ए सॉरी ए सी डी, ए सी ऑल मैटर्स है शुगर केन्स, ऑल दो जो ईट शुगर केन्स आर हर्बिवर्स, ठीक है। ऑल एम एस बन गया, ऑल एस एच बन गया, तो इसने बोला है ऑल एम आर सी, भाई सी का तो मतलब ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। नीचे है ई सी एफ, ठीक है। ऑल मैटर्स शुगर केन्स, ऑल दो जो शुगर केन्स आर नॉन मैटर्स, ठीक बात है, अलग अलग हो जाएंगे। फिर बोला है मैटर्स आर हर्बिवर्स, बिल्कुल सही बात है, यही आंसर बनेगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, अपना एफ आएगा। चलिए यहाँ देखते हैं क्या लिखा है, चलिए भाई देखिए इस क्वेश्चन को, लिखा क्या है, 7% आर डिफरेंट मार्क्स इन अ स्कोर एग्जाम सब्जेक्ट्स बट नॉट एस इन द सेम ऑर्डर, क्या लिखा है, नंबर ऑफ पर्सन आर स्कोरिंग मोर देन आर लेस देन क्यू इज सेम, ठीक है। हाँ जी भाई, बड़ा इजी क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पर्सन कितने परसेंट है, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उसने बोला है नंबर ऑफ पर्सन क्यू से जितने उतने बाद में, तो क्यू यहाँ पर आ जाएगा। देर आर स्कोर बिटवीन पी और एम, 3 स्कोर है किसके, पी और एम के बीच में 3% है। ओ इज जस्ट मोर देन ओ, किसकी बात कर ली, एम की, जी है जस्ट एम से, ओ से पहले एम। एस स्कोर मोर देन क्यू, एस का जो है ओ से पहले है लेकिन लेस देन पी से है, ये भी अपना आ जाएगा। एन स्कोर मोर देन क्यू, एन का स्कोर मोर देन क्यू है, तो क्यू यहाँ पर इससे आके कौन जाएगा, एन जाएगा। वो स्कोर जस्ट लेस देन एस, एन का स्कोर किससे कम है, एस से कम है, बिल्कुल एस से कम है, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा है, ओनली वन स्कोर लेस देन, तो भाई वो तो यहाँ पर आएगा, एक से कम है, ठीक है। और समझिए उसने इसके बाद क्या बोला है, उसको 45 मार्क्स, चलिए अब एक बात बताओ भैया, जब इसने आपने ओ को यहाँ रख दिया, ठीक है, अच्छा उससे पहले कौन आएगा, एम आएगा, एम और पी के बीच 3% है, 1, 2, 3, यहाँ पर पी आ जाएगा, पी के बाद में कौन है, एस है, एस के बाद में कौन है, एन है, यहाँ पर कौन आ जाएगा, आपका बचा हुआ पर्सन आर आ जाएगा। चलिए क्या बोला है इसने, ओ के पास कितने स्कोर है, 45 है, और अगर ओ के पास 45 है तो ये इसका कितना गुना है, 9 गुना, क्योंकि तो लिखा है ना एस एंड ओ का रेशियो कितना है भाई, 5 और 8 का रेशियो है, तो इसका 9 टाइम्स है, 8 का 9 टाइम,
72 किसका आ जाएगा, एस का आ जाएगा। क्या बोला है, हु स्कोर द लोएस्ट मार्क्स आर पर आंसर आएगा इफ स्कोर क्यू इज 3/4 एस। तो ये देखिए क्यू का जो स्कोर है वो एस का कितना है 3/4, एस के पास कितना है 72, 72 का 3/4 54, ठीक है। तो इसके पास कितना है, हाँ क्यू के पास आ जाएगा 54, ये अपना आ गया, ठीक है। अच्छा आप समझिए, 54 और ये जोड़ना है तो अपने को 54 और 45 जोड़ना है, तो आंसर क्या आएगा 99 आएगा दोनों का, ठीक है। नेक्स्ट में क्या दिखा है, हाउ मेनी पर्सन आई स्कोर मोर देन एम, एम से कितने पर्सन पहले, 1 2 3 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 के साथ आएगा। वो स्कोर द सेकेंड हाइएस्ट मार्क्स, ठीक है, सेकेंड हाइएस्ट मार्क्स स्कोर लेकर आ रहा है अभी, एस आ रहा है, तो आंसर एस के साथ जाना है। नेक्स्ट में बोला व्हाट इज द पॉसिबल स्कोर ऑफ एन, तो भैया एन का पॉसिबल जो स्कोर है वो 72 और 54 के बीच में आना है, और बोला है अभी ठीक है। गलत हो गया यार क्वेश्चन, हो गया एक मिनट रुकना यार, रुकना है, मुझे ऐसा लगता है शायद क्वेश्चन में कुछ गलत हो गया शायद, एक बार देखें। तो एक कहाँ बैठा है क्यू, नंबर ऑफ पर्सन स्कोर मोर देन क्यू, सब सही बात है। देयर आर 3% बिटवीन पी और एम, पी और एम के बीच 3% है। एम जो है वो जस्ट ओ से पहले बैठा है, ठीक बात है। एस स्कोर मोर देन ओ, ठीक बात है, एंड लेस देन पी, एन स्कोर इज मोर देन क्यू, वो इज जस्ट लेस देन एस। अच्छा सॉरी, ये गलत लिख गया यार मैं लाइन को, सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, क्वेश्चन थोड़ा जल्दबाजी में मैं उसको मिस कर गया। ये क्यों तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देख लेते हैं वापस, क्या लिखा था, ओनली 1% स्कोर लेस देन ओ, समझिए ओ यहाँ पर आएगा, ठीक है। उससे पहले कौन आएगा, जस्ट एम आएगा, एम और पी के बीच में 3% है, 1 2 3 यहाँ छोड़कर कौन आ जाएगा, पी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसने लिखा है एन स्कोर इज मोर देन क्यू, क्यू इज स्कोर जस्ट लेस देन एस, ठीक है। तो ये जो एस है, क्यू है, वो जस्ट एस से क्या काम करता है, एस से कम लेकर जाता है, तो ऐसे यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद इसने बोला है आपको कि भैया एक बात देखो, एस के बाद में ही क्वेश्चन में लिखा है ना, देखो नंबर ऑफ पर्सन ये अपना हो गया, दे आर 3% बिटवीन पी और एम, 3% आ गए, कोई जस्ट मोर देन ओ, ठीक है। तो एम जो है ओ से जस्ट पहले आए, एस स्कोर इज मोर देन ओ, एस का ओ से पहले है, ठीक है, लेकिन लेस देन पी, ठीक बात है। एन स्कोर इज मोर देन क्यू, एन का स्कोर किससे है, इससे क्यू से ज़्यादा है, ठीक है। वो इज स्कोर जस्ट लेस देन एस, ठीक बात है, इससे कम आ रहा है। ओनली 1% आर स्कोर लेस देन ओ, ठीक है, यहाँ कौन रह गया, आर रहेगा। अब यहाँ से करेंगे भाई, ओ के पास कितना आ रहा था, 45 है, 9 5 45, 8 3 72 ही आ जाए, अपना आ जाएगा। तो क्या बोला है, वो देर लोअर मार्क कौन आएगा, आर ही आएगा अभी तक, ये भी अपना सेम आंसर आएगा 99 पर ही आएगा, ठीक है। बस अपना जो वो था वहाँ, हाउ मेनी परसेंट स्कोर मोर देन एम, तो भाई 4 ही आना है यहाँ पर भी, वो स्कोर इज हाइएस्ट मार्क्स, ठीक है, हाइएस्ट मार्क्स किसके, पी के, पॉसिबल स्कोर एन का, तो भैया एन का जो पॉसिबल स्कोर है 72 से ज़्यादा जाएगा, तो 72 से ज़्यादा क्या आंसर है, 78 ही आंसर बनेगा, ठीक है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा।
बताइए बताइए जल्दी, क्या आंसर आएगा? आ गया, बहुत बढ़िया आंसर, वेरी गुड। लाइक सम बाइक सम मोबाइल क्या लिखा है अभी? सम बाइक सार मोपैड, ऑल मोपैड आर स्कूटर, ठीक है ये अपना बन गया। ठीक है पहले दोनों को जोड़कर क्या लिखा है? थर्ड स्टेटमेंट लॉजिकली कंक्लूजन फर्स्ट टू, थर्ड बने इन दोनों से, इसको बनाना है। सम बाइक सार स्कूटर होगा, ऑल मोपैड आर स्कूटर। अब देखिए क्या इन दोनों को जोड़कर ये बन रहा है? सम बाइक सार स्कूटर, बिल्कुल बन रहा है, हो रहा है पहला फॉलो, तो ये तो फॉलो हो रहा है। आगे देखते हैं, ऑल चिल्ड्रन आर हेयर्स, नो हेयर आर रेड, नो चिल्ड्रन आर रेड, बिल्कुल सही बात है, ये भी फॉलो हो रहा है, तो ये दोनों हो रहे हैं, बाकी नहीं हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा? फर्स्ट एंड सेकेंड के साथ, ठीक है फर्स्ट एंड सेकेंड के साथ अपना आंसर आ जाएगा इसका। ओके चलते नेक्स्ट चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करिए आप सभी लोग, थोड़ा ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे कैसे होगा। एक बार जल्दी बताइए भी आंसर क्या आएगा? चलिए करते हैं, कर लेते हैं भाई। क्या लिखा है? जीरो के आगे परसेंटेज है, एक के आगे क्या हैशटैग है, ठीक है ये नंबर लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ से क्वेश्चन करना है। अब हमें यहाँ से करना है तो क्या, बस हमारा इन दोनों की जरूरत होती है, बाकी किसकी होती नहीं है। तो अपने को क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, इन सबको ऐड करना है, ठीक है 96, 8, 104, 104, 107, ओके नेक्स्ट में क्या है, 1, 2, ठीक है 4, 8, 50, हाँ
है, अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है, तब ना भाई 96 तो ये बन गया, 96 में आप तो 12 और 112 के बाद तीन और जोड़ देंगे 115, ठीक है, तब ना 222, 222 को इसमें देखना है, ठीक है, भी इनका सम आ गया, ठीक है, 1 2, पता है ना आपको कोडिंग, वर्बल कोडिंग कैसे होता है कि, अच्छा तो अपने को क्या करना है, 222 को करना है। अब 222 के लिए आपके पास दो तरीके, वही आपको एक तो 2 से करते चलिए, एक बार जाए, ठीक है, क्या नाम, 111 बार जाएगा समथिंग ऐसा, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, या आप सीधी सीधी बात है इस पर ऐसे ना करके आप ये देख लीजिए 222 को मुझे क्या करना है, 1 2, ठीक है, 4 8 16 32 64 128, ठीक है, 128 से ज़्यादा जब हो जाएगा आपको सिर्फ क्या करना है, इसकी काउंटिंग लेनी है, इसको इसको लेना है, तो इसको और इसको आप इन चारों को जोड़ेंगे आपका कितना आ जाएगा, 222 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 222, ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे 222, तो जिसकी काउंटिंग करी वहाँ पर क्या आएगा, हैश टैग बाकी परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज हैश टैग हैश टैग हैश टैग और हैश टैग परसेंटेज, ये आंसर है। अब ये देखना है किस में मेरा दिख रहा है अपना, इस ऑप्शन में ये आंसर आ जाएगा, प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई लेना है, ठीक है, 1 2 4, 4 2 6 और 1 7, मल्टीप्लाई करना किससे, 1 2 4 8, 8 4 12 और 1 13, 91 लेकर जाना है, ठीक है, तो 91 लेके जाना है भाई, कैसे बनाएंगे, 1 2 4 8 16 32 64, इन दोनों को जोड़ेंगे भैया, ज़्यादा हो गया तो मैं क्या काम करूँगा, 64 से 16 देखेंगे कितना हो गया, 80 हो गया, ठीक है, 80 में 8 जोड़ेंगे, 64 16 80, 80 में 8 जोड़ा 88, 88 में 3 जोड़ेंगे 91, ठीक है, मुझे क्या करना है, यहाँ पर हैश टैग परसेंटेज हैश टैग हैश टैग परसेंटेज हैश टैग और हैश टैग, ये अपना आंसर बन जाएगा। आंसर किस में है, हैशटैग हैशटैग परसेंटेज फिर अगेन हैशटैग फिर परसेंटेज, आंसर आ गया, ठीक है, ये अपना आंसर, चलिए इसका आंसर बताइए भी जल्दी से क्या आएगा, रिलेशन का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, जल्दी करिए, जल्दी करिए भी फटाफट से,
चलिए हो गया, अभी करें क्वेश्चन को। चलिए बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा। जल्दी से बताइए भी क्या आंसर आना है। क्या आएगा? सही बात है, पहले का आएगा फर्स्ट, आइदर फर्स्ट एंड फोर्थ। एक मिनट रुकिए भाई, जरा एक तो क्या आएगा अभी देखिए, जे इज फादर ऑफ ए, जे किसका फादर है, ए का पिता है, ठीक है, ए द ओनली चाइल्ड ऑफ जे, ठीक बात है। बी इज अनमैरिड, इज द सिस्टर ऑफ ए, इसकी बी, ठीक है, सिस्टर ऑफ ए, ठीक बात है। नेक्स्ट में क्या बोला है इसके बाद, क्यू द ओनली सिबलिंग ऑफ पी, ठीक है, क्यू ही ओनली सिबलिंग है। एम इज़ द मदर ऑफ क्यू, इन दोनों की मदर एम है। एन इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ एम, एम ग्रैंड डॉटर है एम की, ठीक है। अच्छा, ये दोनों को नजरअंदाज वाइज एवरीथिंग जो भी होंगे,
चलिए भाई इसको कर लेते हैं, एक मिनट रुकिए जरा। तो इसका आंसर आ गया भी अपना क्या क्या था, आंसर 1 एंड 4। ठीक है, क्लियर है ना ये सब का। तो क्या बोला है उसके रिलेटेड टू पी, तो भैया ये दोनों भाई बहन भी हो सकते हैं, भाई भाई भी हो सकते हैं, एवरीथिंग। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 एंड 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए जल्दी से। ये रहा क्या आएगा भी बताइए जल्दी आंसर। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, लिखा है एन एलिफेंट स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम द, ये भी सही है। लिखा ए कहाँ, फ्रॉम पॉइंट ए इन नॉर्थ डायरेक्शन। इसे बाबूजी ने चलना स्टार्ट करा, नॉर्थ में गया, 15 मीटर चलने के बाद वो कहाँ मुड़ा, टर्न राइट, 15 मीटर चलने के बाद वो पहुँचे पहले जी पर, है ना, टर्न 90 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ पर आ गए और 25 यहाँ से चले, उसके बाद बोला एफ पर यहाँ आ गए, इसके बाद 90 डिग्री राइट ऊपर चले, 15 चले, एच पर आ गए, एच से टर्न 135 डिग्री लिया, ऐसे लिया और 16 चल दिए, और वापस यहाँ से 16 से क्या काम करा, वापस चले 180 डिग्री और चले 30, तो ऊपर चले गए 30 को, मतलब 14 बचा। ठीक है, यहाँ पर क्या गया, जेड आ गया। भाई आप 16 ऐसे आ रहे हैं और 30 जा रहे हैं, तो ये 14 रह गया, है ना, 16 क्योंकि ये है आपका। तो क्या बोला है, इन विच डायरेक्शन विल एलिफेंट मूव व्हेन ही मूव फ्रॉम जॉइंट जेड।
ठीक है, जब वो जेड में मुड़ा था तो उसने किस अपने डायरेक्शन में मुड़ा, तो भैया कौन से मुड़ा है, नॉर्थ वेस्ट में मुड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, माइजर लुक कैन यू, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वी एल जेड ए। अब जैसे मैं एक वो उठाता हूँ यहाँ पर एम आई एस ई आर, माइजर लिखा है, तो आप इनमें से कोई भी एक लेटर देखिए, ठीक है, भाई मैंने देखा एम कहीं है नहीं है, आई भी नहीं है, आर भी नहीं है, ई भी नहीं है, आर भी नहीं है, भाई मैंने देखा किसी का अपोजिट एम का अपोजिट एन होता है नहीं है, आई का अपोजिट आर होता है आर भी नहीं है, एस का अपोजिट नहीं है, ई का अपोजिट भी होता है बिल्कुल भी है, तो पहला वाला जो बनेगा वी एट द रेट 23, तो ये क्या आ गया इसका, ये आ गया अपोजिट, ये आ गया अपोजिट। अच्छा नंबर कैसे आएगा, नंबर यहाँ देखिए एम का अपोजिट क्या होता है एन, इसकी वैल्यू 14 होती है, तो आर के अपोजिट क्या होता है आई, इसकी वैल्यू क्या होती है 9, तो अगर आप 14 प्लस 9 को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा आपका, 23 बन जाएगा, 23 आ रहा है, फुल आ रहा है, ठीक है, तो अपना जो है सीधा सीधा भाई हमें पता है ए का अपोजिट क्या आ गया, जेड आ गया, एच का अपोजिट क्या होता है भैया, एस होता है, ठीक है, एच का अपोजिट क्या होगा, एस होगा, एस की वैल्यू कितनी होती है 19, एम की अपोजिट हो जाएगी 13, 19 13 32 जुड़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं यहाँ पर भी सब जगह क्या है, हैशटैग लगा है, अब सब जगह हैशटैग लगाए मीन्स यहाँ पे कोई एक बात कॉमन है, 3 3 6 और 1 7, 3 3 6 3 और 4, ठीक है, मतलब लास्ट में भी है या तो ई हो, ठीक है, लास्ट में ई है नहीं, पहले लेटर से बनेगा नहीं, वो भी कॉन्स्टेंट की बात है नहीं, तो क्या काम करा है, इवन ओड वाली बात है, तो ये कितना है 5 है, 5 के साथ ही अपना एट द रेट आ रहा है, ठीक है, तो अपने पास जो है सॉरी 5 के साथ आ रहा है अपना माइजर एट द रेट आ, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा डी, जब आंसर ठीक है। नेक्स्ट बोला है राम को 1 से लिख रहा है, शाम को ये है 1, वन से शाम को 25 ई, तो देखिए भैया ई क्या है, ई कैसे आया, 3 लेटर हैं, 3 पर सी आ गया, 5 लेटर हैं, ई आ गया, तो भैया आपका क्या है कृष्णा, कितने लेटर हैं, 7 हैं, तो 7 के लेके आ जाएगा जी आ जाएगा, ठीक है, मिड वाले लेटर की वैल्यू 1 है, मिड वाले लेटर की वैल्यू 25 है, ठीक है, तो भाई मिड वाला लेटर क्या है आई की वैल्यू 9 आ जाएगी, सॉरी मिड वाला लेटर एस है, एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19, तो 19 पर क्या आ गया जी आ, क्लियर है, ये अपना आंसर बन जाना है। क्या लिखा है, ए पर्सन स्टार्ट वॉकिंग इन ईस्ट डायरेक्शन, चलिए कहाँ लेता है, 45 डिग्री लेता है राइट टर्न, 45 डिग्री लेता है राइट टर्न, ओके, अब एक बात देखिए अगर आप क्वेश्चन को इसी से भी करना चाहें, इसी से भी कर सकते हैं, बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ईस्ट में चल रहे हैं, ठीक है, 45 डिग्री कहाँ लिया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 45 डिग्री लेकर यहाँ पर आ गए, क्या बोला है, देन टेक अ 90 डिग्री शिफ्ट इन एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री लेंगे, अगेन कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, आगे बोला है एंड फाइनली 135 डिग्री क्लॉकवाइज, भैया क्लॉकवाइज जाना है तो 45 45 45 ये डायरेक्शन आ गए, इसमें आ गए, ठीक है, क्या बोला है, नाउ इन विच डायरेक्शन फेसिंग, भैया कौन डायरेक्शन में, फेस नीचे वाली है, नीचे वाली डायरेक्शन क्या होती है, साउथ, आंसर किसके साथ जाएगा, साउथ के साथ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा,
करके भी बहुत बढ़िया। चलिए देखिए क्या लिखा है। इफ फादर सेड टू हिज सन आई वॉज एज ओल्ड एज यू एट द प्रेजेंट, मतलब कि अगर तुम्हारी एज आज एक्स की है तो मेरी आज एज कितनी है, टू एक्स है, दुगना होगा। ठीक है, फादर एज कितना है 38, इसका मतलब टू एक्स की वैल्यू कितना है 38 है, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19 आ जाएगी, 19। ठीक है, तो टुडे की बात करते हैं, आज जो सन की पास है वो कितना एक्स है, वो टुडे जो अपना फादर है वो कितना है 2x, और टुडे सन कितना है, आज सन की 19 है, पिताजी 38 के। ठीक है, क्या लिखा है, 5 ईयर एगो द सन, भैया 5 ईयर एगो कितना आ जाएगा, माइनस कर देना है 5 ईयर एगो, तो क्या कर देना इसमें से 5 आप माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 14 ईयर्स आपका आंसर आ जाएगा। आंसर किसके साथ आना है, 14 साल के साथ। ठीक है, चलिए बहुत बड़े क्वेश्चन, इसको बताइए भी क्या आंसर आएगा, जल्दी सबके सब बताइए, जल्दी से बताइए। ठीक है भाई, देखिए दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन में बोला है भाई तो आपको ABC 3 पर्सन है और एक लाइन में खड़े हैं, कितने पर्सन है ए और बी के बीच में, 5। तो ए और बी के बीच में 5 पर्सन है, ठीक बात है। 8 पर्सन है किस किस के बीच में, बी और सी के बीच में, अच्छा सी बाद में भी हो सकता है, सी पहले भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा है इफ देर आर 3 पर्सन एड ऑफ सी, इसका मतलब मुझे सी को बाद में रखना, पहले रखना है। भैया जब आप सी को यहाँ रखेंगे तो इनके बीच में कितना आ गए, 2 आ गए। अब यहाँ देखिए ए और बी के बीच में 5 है, बी और सी के बीच में 8 है, कैसे, 5 और 2 7 और एक बीच वाला ए 8 है, इससे पहले कितने पर्सन है, 3 पर्सन। अच्छा कंडीशन ऐसी भी तो हो सकती है, यहाँ बी रख दूँ, यहाँ ए रख दूँ, यहाँ 5 पर्सन है, बी और सी के बीच में 8 है, आप कहें सर ऐसे भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई परेशानी की बात नहीं है। 21 ए के बाद है, इस वाले में गिनेंगे 21 यहाँ पर आ जाएगा, इसमें गिनेंगे 21 इसमें आ जाएगा। क्या बोला है, व्हाट विल बी द कोड, मिनिमम नंबर दिया है, मिनिमम बताना है, मिनिमम बताना है, तो क्या करना होगा हमको, ऊपर वाली कंडीशन को लेके चलना होगा, ये मिनिमम होगा, ये मैक्सिमम होगा। मिनिमम की बात करें तो 21 और 22 एक को जोड़ेंगे, 21 और 22, 22 और 2 24, 24 और सी की वैल्यू 25 होगी, 25 में 3 और जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 28 आ जाएगा। अगर नीचे वाली कंडीशन की बात करें तो 21 ये है, 21 5 26 और 1 27, 27 और बी की वैल्यू जोड़ेंगे 28 आ जाएगा, 28 में आप 8 जोड़ते हैं तो 36 बन जाएगा, 36 में 4 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन वाले ने सीधा पूछा है कि आपको सिर्फ मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो हम 40 के साथ नहीं जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, 28 के साथ जाएंगे, तो अपना आंसर बी के साथ चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, चलिए आगे चलते हैं। ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ सब करेंगे और हो भी जाएगा।
जल्दी से करिए भाई, फटाफट से क्या आंसर आएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से करिए। थोड़ा टाइम दीजिए क्वेश्चन के हो। अभी हो गया, करिए जल्दी से, करिए क्वेश्चन को बिना देरी के, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन पूरा हो ही जाएगा आपसे, ऐसा भी नहीं है ना हो पाए। हुआ भी हुआ, किसी से हुआ क्वेश्चन, जल्दी से करिए थोड़ा।
करिए भी करिए, जल्दी करिए क्वेश्चन को थोड़ा। जब तक पढ़ लेते हैं। 9% है पर सिटी रेम सेट टू कंकरेंट ट्राइंगल। वर सीटेड अलोंग टू कॉन्सेंट्रिक ट्राइंगल। देयर वर 3% सीट अलोंग साइड इन अ स्मॉल पार्क एंड सच दैट देयर वॉज 1% एंड ईच ऑफ द कॉर्नर एंड 6 सीटेड अलोंग द आउटर। ओके ठीक है। 1% ईच कॉर्नर अलोंग द साइड। द पर्सन सीटेड अलोंग द आउटर पार्क वर सीटेड फेसिंग टुवर्ड द सेंटर एंड द पर्सन सीटिंग अलोंग द इनर पार्क वर सीटेड फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। एक बात है, द सीटेड वर नंबर्ड शोइंग फिगर। नंबर भी दिए हुए हैं। चलिए क्या बोला हुआ है उसने क्वेश्चन में। पी वाज सीटेड टू द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु सीटेड नंबर वाज थ्राइस एज दैट ऑफ यू सीट नंबर। ठीक है, पी के पास क्या है, सीटेड इमीडिएट राइट ऑफ वन। तो यू की जो सीट है, ठीक है, यू की जो सीट है, क्या लिखा है, पी वाज सीटेड टू द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु सीट नंबर वाज थ्राइस एज दैट ऑफ यू सीट नंबर। एक का कितना, तीन गुना, तीन आ जाएगा। तो इसके पास एक हो सकता है, ठीक है, दो का तीन गुना छः, दो भी आ सकता है, तीन का तीन गुना नौ, ये भी आ सकता है। बस ये नंबर हो सकते हैं यू के पास। ठीक है भाई, अब देखो ये अपना हो सकता है, क्यों भाई, उसने क्या बोला है, उसने आप कंडीशन समझिए। पी की जो सीट है वो उस पर्सन के इमीडिएट राइट है। द वन हु सीट नंबर वाज थ्राइस एज दैट ऑफ यू सीट नंबर। तो यू के पास जितना नंबर है ना, सपोज करें यू के पास एक नंबर है, ठीक है, तो पी जो है इमीडिएट राइट है, पी इमीडिएट राइट है। इट मीन्स अगर पी यहाँ पर है तो यू यहाँ हो सकता है, ठीक है, अच्छा यहाँ पर है तो यहाँ हो सकता है और यहाँ पर है तो यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। अच्छा अब एक बार देखो, अगर यू के पास एक देता हूँ तो इसका डबल दो, मे भी दो के बराबर में यू आ जाए, इसका डबल चार, चार के बराबर में यू आ जाए, और तीन का तीन गुना क्या आ जाएगा, नौ, छः, सॉरी तीन गुना है ना, थ्राइस है, यहाँ आ जाएगा तीन, तीन पर यू आ सकता है, छः पर यू आ सकता है और नौ पर भी यू आ सकता है। ये हमारी तीन कंडीशन है अभी यू के लिए, ठीक है, जो यू का सीट नंबर है उसका तीन गुना जो है उसके इमीडिएट राइट कौन बैठा है, पी बैठा है। ये अपना क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ठीक है, ये अपना पहले लाइन हो चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है अभी, थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से करेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टी सीट नंबर वाज थ्राइस एज दैट ऑफ एस सीट नंबर, ठीक है, अच्छा टी जो है वो एस का कितना है भाई, तीन गुना है। अब तीन गुना है तो वही बात है, एक का तीन गुना भी आ जाएगा, दो का तीन गुना भी आ जाएगा, तीन का तीन गुना भी आ जाएगा, ठीक है। एस वाज सीटेड अलोंग वन ऑफ द साइड, अलोंग वन ऑफ द साइड मतलब कि बाहर वाले कॉर्नर इस पे बैठा है, ये हमें समझ में आ गया, आउटर में बैठा है। आर एंड टी वाज सीटेड कंजुगेटिव सीट नंबर, ठीक है, आर और टी जो है कंजुगेटिव मतलब लगातार लेगा, ये ध्यान रखना है ना, एक के बाद दो तीन ऐसे, दो के बाद तीन चार पाँच छः सात आठ ऐसे। एक्स सीट नंबर वाज मोर देन क्यू, तो एक्स का जो है वो क्यू से ज़्यादा जाएगा। डिफरेंस बिटवीन आर सीट नंबर एंड क्यू सीट नंबर वाज
तो भैया ये क्या है भी? अच्छा एक लाइन गड़बड़ है यार इस क्वेश्चन, क्वेश्चन में एक लाइन गड़बड़ दी हुई है, ठीक है, क्योंकि ये कैसे लाइन इसकी क्या हो सकती है अभी पता तो है। चलो देखते हैं, हो सकता है किसी से हो जाए, अगर ऐसी बात नहीं है तो। नीचे वाली लाइन देखते हैं क्या लिखा है। डब्ल्यू सीटेड एज वन ऑफ द कॉर्नर बट वाज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एस। कौन सी कंडीशन रख पाएंगे भाई जिससे ये अपना क्वेश्चंस हो जाए। अब भाई कंडीशन बहुत सारी हैं, ठीक है। यू का जो सीट नंबर है उसका 3 गुना, यू का जो सीट नंबर है उसके 3 गुने के राइट में कौन बैठा है, अपना क्यू बैठा है। चलिए सॉरी, पी है, वी है ना, पी बैठा है, मैंने उल्टे लिखा हुआ, पी बैठा है यहाँ पे। तो भाई पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अगर मैं यू को यहाँ दूँ, पहले काम करते हैं, पहले इसी को देख लेते हैं, है ना। अगर मैं यू को यहाँ दूँ, सपोज करो यू, यू को माने माना पहले इस कंडीशन पे, इसका 3 गुना कौन, 3, इसके इमीडिएट राइट कौन बैठेगा, पी यहाँ बैठेगा इस लाइन से, कंडीशन ही वाली है ना। आगे क्या बोला है कि टी के 3 गुने, टी सीटेड नंबर ऑफ ट्वाइस, सेट ऑफ एस सीट नंबर, सी एस सीट अलोंग साइड, मतलब कि भैया ये कंफर्म है कि एस जो है बाहर वाले आउटर पे बैठा है, ठीक है, अलोंग साइड कॉर्नर पे है नहीं, और इसका नंबर जो है क्या है, 3 गुना है, दुगुना है। तो समझिए भाई कंडीशन दो है कि भैया या तो ऐसे यहाँ आ सकता है या ऐसे यहाँ आ सकता है। अगर ऐसे आएगा तो टी यहाँ पर बैठेगा, और अगर ऐसे ऐसे आएगा तो टी जो है अपना दुगुना था, ठीक है, ठीक है। तो सॉरी, टी सीट नंबर वाज ट्वाइस एज दैट ऑफ एस नंबर। अच्छा, टी का दुगना है, ठीक है, टी का दुगना है। अब समझिए, अगर आप मतलब कि एस के सीट नंबर, अगर आप एस को यहाँ देते हैं तो यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है, लेकिन इसने बोला एस अलोंग साइड में बैठा है, तो अलोंग में बैठा है तो 3 का तो मतलब नहीं है, 6 से डबल है नहीं, तो डेफिनेट हो गया, कन्फर्म हो गया, यहाँ पर आएगा एस, यहाँ पर आ गया एस, और 4 का डबल कौन हो गया, 8 हो गया, तो 8 पर कौन आ गया, टी आ गया, टी आ जाएगा यहाँ पर, टी आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये लाइन अभी तक मेरी कंप्लीट। आर एंड टी कंसेक्यूटिव सीट पर बैठे हैं। अब समझिए,
जब भैया 8 पर आ गया टी, तो आर और टी दोनों कंजिगेटिव सीट है। अब 8 के बाद 9 पर है या 7 पर है, 9 पर है या 7 पर है। मे बी पॉसिबल आर यहाँ भी हो सकता है और मे बी पॉसिबल आर यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। कोई सा एक इनमें गलत है, या तो ये भी अपना हो गया। आगे लिख रहा है डिफरेंस बिटवीन आर एंड क्यू सीट्स 2, ठीक है। अगर 9 है तो 9 में से 2 घटा करके आ जाएगा 7 आ जाएगा, जबकि आ नहीं सकता, ज़्यादा है नहीं, तो आर यहाँ पर नहीं होगा। 7 पर मानूँ, ठीक है, 7 में से 2 जोड़ूंगा 9 हो सकता है, ठीक है, और 7 में से 2 घटाया 5 हो सकता है, ठीक है, ये भी 5 हो सकता है। तो मेरा क्यू जो है यहाँ पर भी हो सकता है, कौन क्यू मेरा यहाँ भी पॉसिबल है भाई। अच्छा, और क्यू मेरा यहाँ भी पॉसिबल है दोनों जगह। इसने क्या लिखा है कि डी वाज सीटेड एट वन ऑफ द कॉर्नर, ठीक है, बट नॉट नेबरिंग एस। इसकी बात कर रहा है डब्ल्यू की, तो समझिए अगर कॉर्नर पे बैठा है तो डब्ल्यू यहाँ नहीं बैठेगा, ठीक है। तो डब्ल्यू इस तरीके से कहाँ पर आएगा, इस वाले कॉर्नर में आएगा। यहाँ तो आएगा नहीं, बाहर वाले कॉर्नर में तो आना नहीं, बाहर वाले में नहीं आएगा तो कहाँ आएगा, अंदर वाले में आएगा। और अंदर वाले में आएगा तो मुझे अंदर वाला जो क्यू रखा है आपको इसको हटाना पड़ेगा। अंदर वाले में जो क्यू रखा है आपने इसको आपको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पर क्यू रहने देंगे, यहाँ आप रखेंगे डब्ल्यू, यहाँ पर रखेंगे डब्ल्यू, वहाँ आर यहाँ टी, ठीक है, ये अपना हो गया। अच्छा, और अपना जो है क्यू और एस यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट लाइन में देखो क्या लिखा है इसने, ये अपना हो गया नीचे वाली। इसने लिखा था यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन आर सीट नंबर एंड क्यू सीट नंबर वाज 2, एक्स सीट नंबर वाज मोर देन दैट ऑफ क्यू, ठीक है। एक्स का जो है वो क्यू से ज़्यादा है, तो 5 से ज़्यादा क्या आएगा, 6 आएगा, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा भाई, एक्स आ जाएगा। और बच कौन गया, पी क्यू आर एस टी यू, एक्स रह गया, डब्ल्यू आ गया, बी नहीं आया, बी आ जाएगा, ठीक है भाई, बी अपना आ जाएगा यहाँ। तो अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है, ठीक है, हो गया है, आई होप कर लिया होगा। तो क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, पहले में देख लेते हैं। इन विच सीट नंबर डब्ल्यू सीटेड, 9 आ जाएगा। हु फेसेस द पर्सन सीट नंबर 7, 7 के सामने सीट नंबर पे कौन बैठा है, बी नहीं, भी है बी नहीं है, तो एक्स आ जाएगा। हु फेसेस द पर्सन हु सीट नंबर 7, 7 है ना, सॉरी यू आएगा यार, अभी कहाँ कौन रहे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एज आउटर ट्राइंगल डब्ल्यू एक्स टी आर, डब्ल्यू एक्स टी आर में से कौन आउटर ट्राइंगल में है, डब्ल्यू एक्स टी आर, एक्स आर है। विच सीट नंबर इज इमीडिएट नेबर ऑफ वी, इमीडिएट नेबर बताना है वी के, तो वी के जो पड़ोसी हैं वो है एस और पी, मतलब एस और पी नहीं, नंबर लेना है मुझे, नंबर लेना है तो 4 और 2, तो आंसर जाएगा 2 और 4 के साथ। हु सीट 4 टू द राइट ऑफ द पर्सन हु सीट नंबर 6, 6 नंबर के राइट 4th, 6 नंबर ये है राइट 4th, 1 2 3 4 को ना जाएगा, पी आ जाएगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, इजी क्वेश्चन था, ठीक है, ये ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था अपना, सो आपने ये क्वेश्चन इजीली कर लिया होगा, क्लियर है। हमारे सारे क्वेश्चन के इसके आंसर हो चुके हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई, क्या है, कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी है, और जल्दी से आप लोग करेंगे इसको, करिए पहले आप लोग इस क्वेश्चन को।
भी करिए, जल्दी हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए करते हैं आपको। देखिए मैं आपको एक का तरीका बता देता हूँ, कैसे वैसे सबको पता है, ठीक है, कर लेते हैं। भाई क्या लिखा है, हमें ऐसे क्वेश्चन में क्या बनाना होता है, सबसे पहले एक बॉक्स बनाना होता है, ठीक है। विदाउट बॉक्स हम नहीं करेंगे क्वेश्चन को, तो एक बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पर गेटर आएगा, यहाँ बीच में इक्वल आता है, यहाँ लेसर इक्वल आता है, यहाँ लेसर आएगा और यहाँ ग्रेटर इक्वल है। तो मतलब ये देखिए सभी एक तो जैसे हैं। इसका सिंबल का मतलब है ए ना ही तो छोटा है और ना बराबर, भैया छोटे भी नहीं है बराबर भी नहीं है, तो डेफिनेट क्या बड़े होंगे, बड़े होंगे। एंड का मतलब क्या है, छोटा नहीं है भैया, छोटा नहीं तो बड़ा और बराबर तो हो सकता है। ए नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, W का मतलब क्या है भाई, ए नाइदर ग्रेटर और इक्वल भी नहीं है भैया, बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, तो छोटा ही होगा। आगे बोला है ए डॉलर ए नॉट ग्रेटर देन बी, तो छोटा और बराबर हो सकता है। जब अपने को सारी चीज मिल चुकी है, पहले में क्या लिखा है, ए सी सी एन डी वाई, चलिए ठीक है। अच्छा यहाँ से भी सारी लाइन जुड़ी हुई है, कोई बात नहीं है। अब वाई से वाई हमारा जुड़ जाएगा, तो पहले हम बोला है जेड बड़ा है वाई से, तो जेड बड़ा है वाई से, तो यहाँ देखिए डब्लू और वाई में, ठीक है भाई, डब्लू और वाई में आंसर क्या आएगा, डब्लू आएगा, लेकिन उल्टा सी लिखा है, तो इसके सामने क्या है, सी है, ठीक है भाई। यहाँ से यहाँ तक देखते हैं अपना आंसर क्या है, डब्लू और वाई, डब्लू और वाई एक तरफ के, आंसर क्या आएगा, डब्लू के साथ आएगा, तो आप कहेंगे डब्लू, लेकिन ये देखिए इसने इन दोनों को उल्टा लिखा है, जेड को पहले ले गया, वाई को बाद में ले गया, चेंज कर दिया ना। तो जब ऐसी कंडीशन होते हैं तो हमारा बिल्कुल सामने वाला आंसर आता है, तो W के सामने क्या है, सी है, तो अपना आंसर क्या है, सी है, तो पहला फॉलो कर जाएगा, फर्स्ट फॉलो कर जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं क्या है, डी ए से बोला है, को डी ए को बोला है, तो सी और एंड है, अब देखिए सी और एंड दोनों एक तरफ के हैं, तो सी और एंड में आंसर किसका आएगा, सी का आएगा, लेकिन इसे यहाँ भी इनको उल्टा कर दिया, डी को पहले ले गए ए को बाद में, तो एंड के सी के सामने क्या है, डब्लू, बिल्कुल सामने वाला आंसर देकर चलेगा, डब्लू देकर चलेगा, ये भी फॉलो कर जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है, बी एंड एक्स लिखा है, अब समझिए भाई बी ये है एक्स ये है, बिल्कुल सीधी सीधा कोई उल्टा सीधा नहीं है, वाई एंड एंड भैया, वाई ये है एंड ये है, दोनों में आंसर क्या आएगा, एंड आएगा, तो एंड ही होना चाहिए कुछ और नहीं, एंड दिया है, बिल्कुल दिया है, तो आंसर क्या क्या जाएगा, ऑल फॉलो, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी के साथ अपना आंसर आएगा, इसके साथ आंसर आएगा भाई, डी के साथ, आई होप समझ में आया होगा। पर सी है, यहाँ पर आपका डब्लू है, यहाँ पर आपका एंड था, यहाँ शायद आपका डॉलर था, अच्छा यहाँ वाई है, एंड यहाँ है, डॉलर यहाँ है, और ये भाई बीच में जो है ना, यहाँ आपका सही बात है। एफ ये सब कुछ है, एच ये सब कुछ है, क्या लिखा है, एच ई से बोला है, एच ये है, ई ये है, वापस जाने की चीज़ है, डॉलर डब्लू डॉलर भाई, डॉलर डब्लू डॉलर, आंसर क्या आएगा, डब्लू के साथ जाएगा, उल्टी चीज़ है ना, एच को पहले ले गई को बाद में, तो जब ऐसी चीज़ में उल्टा हो जाता है तो जो आंसर आना होता है उसके पहले सामने वाला आंसर देते हैं, सी वाला देंगे, तो क्या सी है, बिल्कुल आंसर पहला फॉलो कर जाएगा। टी और वी की बाल बोला है भाई, टी ये है वी है, बिल्कुल सीधी चीज़ है, उल्टा है, सीधा है, W और Y में आंसर क्या देंगे भाई, W और Y में आंसर W देके चलेगा, तो W ही होना चाहिए कुछ और नहीं, तो ये भी फॉलो कर रहा है, तो है ना। आगे क्या है, E और H में बोलते हैं भाई, E यहाँ पर H यहाँ पर, अब देखिए सीधा सीधा कोई उल्टा नहीं है, तो अगेन आंसर किसके साथ जाएगा आपका, W के साथ जाना है, क्या W दिया है, नहीं Y दिया है, तो आंसर क्या हो गया, गलत हो गया, तो आंसर किसके साथ आएगा, बहुत फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, किसके साथ आंसर क्या आएगा भाई, अपना बी बन जाएगा, ठीक है।
चल एक और क्वेश्चन है अपना। भारत डब्ल्यू वाई एंड सोलर, चाहेगा आंसर करिए जल्दी। देखिए चलिए, आई जे के ये सब कुछ दिया हुआ है सीरीज में, तो आई का आर से बोला है। अच्छा अब आई का आर से बोला है तो देखिए, वाई एंड सी है ना, डॉलर प्लस सब अपोजिट आ गया, तो यहाँ से लेकर जब आप यहाँ तक जाएंगे तो कुछ ना कुछ अपोजिट आ रहा है, ये अपोजिट इसके, ये अपोजिट इसके, तो भाई पहला आंसर गलत है। देखती आई का आर से जब मैं पहला नहीं बना पाया तो दूसरा भी नहीं बनाएंगे। अच्छा भैया देखिए, बिल्कुल सीधी चीज है। इस एंड का मतलब क्या है, ये है, और W का मतलब क्या है, ये है, तो दोनों सिंबल मिल गए, बिल्कुल मिल गए। इसका मतलब इन दोनों में है आइदर ओर, इन दोनों में आइदर ओर है। लास्ट वाला देखते हैं, L का I से बोला है भैया, L ये है I, तो Y एंड C, भैया Y एंड C दोनों में आंसर क्या आएगा, C आएगा। सीधी सीधे उल्टी, आप सर उल्टी है ना, कैसे L पहले I बाद में, है ना सर? तो जब Y उल्टा है तो हमने क्या काम करना है कि जो अपना आंसर होता है उसके सामने वाला आंसर देके चलेंगे, ठीक है? एल यहाँ पर है, सी यहाँ पर है। अब इन दोनों में आंसर क्या आया, अपना केवल क्या आ रहा है, अभी सी आ रहा है, सी के सामने वाला डब्ल्यू, क्या यहाँ डब्ल्यू लिखा है? नहीं लिखा है सर, नहीं लिखा है तो छोड़ देंगे। आंसर किसके साथ आएगा, केवल फर्स्ट और सेकेंड के साथ आएगा, और वो भी आइदर में लगकर आएगा, तो आंसर क्या आएगा, सी आएगा। तो इसका आंसर क्या देंगे हम, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, करें क्या आंसर जल्दी बताइए भी आप लोग करके, इस क्वेश्चन को आप बताइए क्या आएगा आंसर। जल्दी से ये बताइए भाई क्या आएगा।
हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए, एम और क्यू में बोला है, तो भाई एम से लेकर जब क्यू तक जाना है तो डॉलर डब्ल्यू सारे आ रहे भैया, ठीक है। सी और डॉलर ही आ गया ना, यहाँ आ गया डॉलर, यहाँ आ गया, तो जब अपोजिट हो गए तो आंसर बनना नहीं, पहला गलत है। पी से एस तक जाना है भाई, पी यहाँ है, एस यहाँ पर है, तो वाई सी एंड आर है, वाई सी एंड आर है, तीनों एक तरफ के आंसर क्या आएगा, सी आएगा। लेकिन क्या ये सीधी सीज है? सीधी है बिल्कुल, पी पहले है एस बाद में है, तो सीधा है, तो आंसर क्या आना चाहिए, सी होना चाहिए, बिल्कुल सी लिखा है। एन से आर तक जाएंगे, यहाँ पर क्या है आपका, एन है, एन और आर, ठीक है, तो डब्ल्यू सी वाई सी, ठीक है, डब्ल्यू वाई सी वाई, डब्ल्यू सी, ठीक है, तो क्या आ गया भैया, देखिए डब्ल्यू सी आ गया ना, डब्ल्यू सी के अपोजिट है, तो आंसर गलत। आंसर किसके साथ आएगा, ओनली सेकंड, और ओनली सेकंड किस में है आपका, बी ए आंसर में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चलो भी बताओ जल्दी। इसको करते हैं, क्या लिखा है अभी, सी डब्ल्यू वाई एंड डॉलर, ये लिखा है, ठीक है, सारी चीज है, ये लिखा एम और के का बोला है अभी, यहाँ देखेंगे एम यहाँ है, के यहाँ, उल्टा चीज है, एंड और वाई में आंसर क्या है भैया, एंड और वाई में आंसर एंड आएगा, लेकिन जब उल्टा लिखा है, वाई को पहले लेगा, के को बाद में लेगा, तो मुझे एंड के सामने देखना डॉलर लिखा है क्या, डॉलर है तो पहला आंसर फॉलो करेगा। जे और जी बोलना है, जे यहाँ पर है, जी यहाँ पर है, वाई डॉलर डब्ल्यू, ठीक है भाई, वाई डॉलर डब्ल्यू, एक ही तरफ किसी के आंसर डब्ल्यू में आना है, लेकिन आंसर तब आना है भाई, ये आगे पीछे सी हो रही है ना बिल्कुल, तो डब्ल्यू के सामने क्या है, सी, सी होना चाहिए, सी है, आंसर है। एल और आई में बोलना है, ठीक है, आई यहाँ पर है, एल यहाँ पर है, तो जब देखूंगा वापस हो रहा है डब्ल्यू वाई एंड, डब्ल्यू वाई एंड, डब्ल्यू है, एंड आ गया, अपोजिट हो गया, आंसर गलत हो गया। अगेन क्या आएगा, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो आएगा, तो फर्स्ट एंड सेकंड जो आएगा तो आंसर क्या आएगा, ये मेरा आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नहीं है जो, ठीक है, तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच, ओके। चलिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मोनो त्यागी के नाम से, चलिए थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए, बाय बाय, टेक केयर।